सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मास्टरमाइंड टेक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं अभिजीत, आज आपको बताने वाला हूँ कि बजाज पल्सर 150, 180, 220 में जो सीजर गियर होता है और उससे बैलेंसर का टाइमिंग रहता है, वो सीजर गियर कैसे लोड करते हैं और बैलेंसर का टाइमिंग कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों ये बजाज पल्सर का सीजर गियर है, इसके लिए ये टूल आता है, वो लोड करने के लिए ये टूल की ज़रूरत होती है हमें। ऐसे ही भी हम बिठा सकते हैं लेकिन वो प्रॉपर बिठाने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन इस टूल से एकदम फट से हो जाता है। ये देखो दोस्तों, ये सीजर गियर है। ये पहले सेट कैसे करना है, ये जो टीथ है जो बाय डिफॉल्ट इधर ऐसे रहता है, ये हमें एंटी क्लॉकवाइज दो टीथ तक घुमाना है। ये इधर है ना, ये देखो, ये मैं अभी लोड करूँगा। ये देखो, ये जो प्लास्टिक वाला है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। ये देखो, ये एक है, दो, ये देखो, ये इधर है, ये एक और ये दो। ये देखो, ये इधर का इधर है, ये एक पे, ये दो पे, ले गए हैं। ये देखो, ये दोस्तों बैठ गया। अभी ये जो है, ये भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है दो गियर पे। ये देखो, ये एक है इधर, ये दो नंबर और ये तीन नंबर, ये इधर आना चाहिए ऐसा। ये हम इसमें भी लगा के ले सकते हैं। देखो, ये इधर सामने सामने एक नंबर वाला, ये दो नंबर वाला। ये देखो, ये सीजर गियर हमारा लोड हो गया। अभी इसमें वॉशर डालना है दोनों तरफ। दोस्तों ये जो बैलेंसर होता है इसमें मार्क होता है, ये देखो, ये इधर लगता है कैमरा में दिख रहे हैं क्या, ये देखो, ये मार्क है, ये देखो, व्हाइट कलर भी लगाया है और एक खड्डा है छोटा सा, वो इधर ऊपर, ये देखो ऊपर से, हाँ ये देखो, ये जो हमें एल्यूमिनियम का कलर दिख रहा है सिल्वर कलर, वो मार्क किया है उसका, वो ऐसा रखना है। और ये जो क्रैंक है हमारा, ये देखो, ये क्रैंक है, ये ऊपर, ये जो लाइन है उधर रखना है, ऐसे हमें टाइमिंग लगाना है। ये मैं पहले सीजर गियर लोड करके लेता हूँ, ये इधर रख के, ये देखो, ये हमारा सीजर गियर लोड हो गया। अभी मैं इसमें क्लच लगाऊंगा। ये थोड़ा ऊपर से लगाना चाहिए क्योंकि ये अटक रहा है। ठीक है, फिर से मैं निकालता हूँ, ये निकाल दिया। और ये ऊपर से मैंने बिठाया, ये हिलने नहीं देना है हमें। इसके बाद एक क्लच भी लगा के लेना है। ये किक का एक गियर होता है, ये देखो, ये घुमा घुमा के बिठाना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ये अभी बैठ गया है, देखो, नहीं
अभी बैठा नहीं एक एक का गियर। फिर से निकालता हूँ क्योंकि ये जो गियर होता है ये जरा बैठने में टाइम लगता है। ये सब गियर घुमा के अच्छी तरह बैठना होता है। हाँ ये देखो अब बैठ गया। ठीक है दोस्तों, अब हमें गियर अंदर दबा के ये जो टूल है ये हमारा बाहर खींचना है। ये देखो ये हमारा गियर बैठ गया दोस्तों। अब इसके ऊपर की कैप जो है वो लगा लेनी है और उसके बाद ये स्क्रू वगैरह हमें लगाना है, पैकिंग डालना है। जो पैकिंग का वगैरह वीडियो आपको कैसे बिठाना है ये अगर चाहिए तो मैंने ये वो क्लच प्लेट वाला एक और ये ऑयल सील वाला वीडियो ऑयल फिल्टर वाला वीडियो बनाया है, उसमें मैंने दिखाया है कि कैसे फिट करते हैं। इधर गियर डाल के हमने सब लगा दिया है, ऑयल वगैरह डाल दिया है। अभी हम चालू करके देखते हैं आवाज आता है क्या सीजर गियर का। दोस्तों जब भी सीजर गियर हम टाइट करते हैं तो ज्यादा टाइट हो जाता है तो सर सर ऐसा आवाज आता है, और लूज रहता है उसका टेंशन तो कट कट ऐसा आवाज आता है। तो अभी देखेंगे, सॉरी बटन बंद था। ये देखो हमारी गाड़ी एकदम स्मूथ हो गई है, ये आवाज सुनो आप। जरा भी सर सर ऐसा आवाज नहीं आ रहा है और कट 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 ऐसा भी आवाज नहीं है। ये आइडलिंग पे गाड़ी है अभी अभी आवाज सुनो, सीजर गियर तो ज़रा भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो हमारा सीजर गियर एकदम परफेक्टली बैठ गया है। एंटी क्लॉक वाइज हमें घुमाना है जो प्लास्टिक का गियर होता है वो दोनों तरफ से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल मास्टर माइंड टेक उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नए नए वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।